हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो देखिए, शुरुआत करते हैं देखिए आज के सेशन की। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज। तो पार्ट नंबर फर्स्ट है आज हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। देखिए, अब आप सभी को पता होगा कि देखिए पीटीटी एग्ज़ाम के तो 16 दिन और रहे हैं। कितने दिन रहे हैं? 16 दिन और रहे हैं। 3 जुलाई को क्या है, एग्ज़ाम है। और देखिए बीएसटीसी वालों को भी देखिए पढ़ना है, क्योंकि बीएसटीसी के जैसे ही फॉर्म भरेंगे और देखिए उनकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, उनको देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा। तो अभी से देखिए उनको प्रिपेयर रहना है। तो देखिए आज से हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आएंगे, जो पेपर में पूछे जाने वाले बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको देखिए अब देखना है कि आपके जो परीक्षा में जो अंतिम दिन है उसमें देखिए आपको कैसी तैयारी करनी है। जी जान लगा देना है आपको, तभी देखिए आपको कॉलेज मिलेगी। और आपको देखिए कितने नंबर लाने हैं, 450 प्लस पार नंबर तो देखिए आपको लाने ही। कितने नंबर लाने हैं? 450 प्लस यदि आपके नंबर आएंगे तब देखिए आपको क्या मिलेगी, कॉलेज मिलेगी। देखिए कंपटीशन आपको भी पता है बहुत ज़्यादा देखिए कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपको तैयारी देखिए आपकी ओर से बहुत अच्छी करनी है। तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन को देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। बुला लीजिए आपके उन फ्रेंड्स को जिनको क्वेश्चनों की सीरीज चाहिए थी, क्वेश्चन पढ़ने थे, उनको बुला लीजिए। देखिए हमने 6 टॉपिक थे, जो 6 टॉपिक थे वो तो देखिए क्लियर हो गए। और जिन्होंने देखिए शिक्षण अभिरुचि की इन 6 टॉपिक की क्लास नहीं ली, वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उन 6 टॉपिक की क्लास लेना है, फिर देखिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देखनी है। तो देखिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? किसे महत्व देना चाहिए एक अध्यापक को? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, किसे महत्व देना चाहिए एक अध्यापक को? कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, ऑप्शन ग राइट आंसर होगा, क्योंकि अध्यापक का कार्य क्या होता है, शिक्षण करवाने का। तो यदि वो कक्षा में अपने पूर्ण भाव से यानी रुचि लेकर वह शिक्षण करवाएगा तो प्रधानाचार्य से अच्छे अपने आप ही संबंध बना रहेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट उच्च रहेगा और बच्चों में जो आप पढ़ा रहे हो वो समझ में आएगा, तो देखिए बच्चे भी आपसे क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित, चिंतित क्यों रहना है, यदि आप समर्पण भाव से उन्हें शिक्षण करवाएंगे तो देखिए चिंतित आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? देखिए आप सभी को बताना है आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। देखिए बहुत ही मेहनत करके देखिए आपके लिए ये क्लास लेके आते हैं, तो देखिए एक बार सभी को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए एक बार जल्द से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था, छात्रों का विश्वास, या फिर उसकी गरिमा एवं मर्यादा? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान देखिए क्या है। छात्रों का विश्वास, ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। यदि अध्यापक पर छात्रों का विश्वास बना रहेगा तो देखिए शिक्षण के प्रति उसकी आस्था देखिए अपने आप ही हो जाएगी। और गरिमा और मर्यादा तो देखिए यदि वो अच्छा शिक्षण करवाएगा तो गरिमा और मर्यादा देखिए एक अध्यापक की बनी रहती है। तो छात्रों का विश्वास होना चाहिए एक अध्यापक को, तो अध्यापक को छात्रों का विश्वास होने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, उसे अच्छा शिक्षण, प्रभावी शिक्षण करवाना पड़ता है, ऑप्शन सी देखिए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं? जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझेंगे?
अपने सगे संबंधियों का, अपने माता पिता का, अपने मित्रों का या फिर उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी का निर्णय लेंगे। देखिए सगे संबंधियों का यानी रिलेशन वालों का भी हम निर्णय लेंगे, अपने पेरेंट्स का भी और अपने फ्रेंड्स का भी। तो ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि मैम आपने गलत बता दिया। देखिए गलत नहीं बताते, गलत नहीं बताते। देखिए क्या होता है, शिक्षण अभिरुचि का देखिए एक जादू है। अब देखिए वो ट्रिक आपको समझाते हैं क्या है। शिक्षण अभिरुचि में आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, चार ऑप्शन दिए जाते हैं। तो देखिए चार ऑप्शन, जैसे ये हो गए चार ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4। तो फर्स्ट ऑप्शन तो देखिए ऐसा आएगा जिसमें आपको यदि फर्स्ट करके आओगे तो 3 नंबर मिलेगा, यानी सबसे अच्छा करके आओगे तो उसमें 3 नंबर मिलेगा, उसके कम वाले में 2 नंबर, उसके कम वाले में देखिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और एक ऐसा होगा जो चार तीनों से भिन्न होगा उसमें देखिए आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो देखिए आपको सेम से आंसर, यानी आपको ऐसा लगता है कि इसका आंसर देखिए ये भी हो सकता है, तो आप देखिए क्लास में करने लग जाते हो कि मैम देखिए आपने गलत बता दिया। देखिए गलत नहीं बताते, और यदि फिर भी आपको देखिए गलत लगता है तो आप देखिए बोल सकते हो, लेकिन देखिए ऐसे बीच बीच में नहीं बोलना है कि गलत बता दिया गलत बता दिया, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि में यही होता है। इसमें देखिए और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम जब बुक में देखते तो हमें आंसर कैसे देखे हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ क्या दिया जाता है, बुक में क्या दिया जाता है, फर्स्ट में यदि सबसे अच्छा करके आओगे तो 3, और उससे थोड़ा कम करके आओगे तो 2 नंबर मिलेंगे, उससे कम करके आओगे तो देखिए आपको 1 नंबर मिलेगा। देखिए ऐसा होता है शिक्षण अभिरुचि की ट्रिक। तो देखिए ये आपको क्या समझना है, और देखिए वो जीके रीजनिंग उससे रिलेटेड नहीं है। देखिए उसमें तो क्या होता है, आपको एक आंसर मिलेगा, देखिए करेक्ट एक आंसर मिलेगा, यदि उस वो करके आओगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और चाहे फिर कोई से भी करके आओ आपको क्या मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। शिक्षण अभिरुचि में ऐसा नहीं होता। देखिए इसमें कितने परसेंट पूछे जाते हैं, 50% पूछे जाते हैं, 1% 3 नंबर का रहता है, तो कितना हो गया, 150 नंबर हो गए ना, 150 नंबर का पेपर हो गया शिक्षण अभिरुचि का। तो देखिए आपको समझना है, जैसे अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप अपने दैनिक जीवन में किसे महत्व देते हैं, किसे महत्व देंगे, दूसरों की समस्याओं को सुलझाने को, अपनी समस्याओं को सुलझाने को, अपने प्रियजनों की रक्षा करने को, या फिर आदर्श और नैतिकता की रक्षा करने को। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 देखिए। अब इसमें लग रहा होगा आपको कि हमें तो देखिए सभी आंसर राइट लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन में हम किसे महत्व देंगे सबसे ज़्यादा, आदर्श और नैतिकता की रक्षा को, ऑप्शन 4 देखिए राइट आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन 4 करके आओगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है। जो समय तालिका होती है, यानी जो हम स्कूल में जाते हैं तब वहाँ पीरियड लगते थे ना, तो वो उसे बोलते हैं समय तालिका, यानी कि वहाँ का टाइम टेबल, उसके लिए क्या आवश्यक है। कठिन विषयों के कालांश सुबह में रखे जाए, या फिर 2 कठिन विषयों के कालांश के बाद एक आसान विषय का कालांश रखा जाए, या फिर कालांश में क्रियाओं में विविधता का प्रावधान, यानी कालांश में क्या हो, क्रियाओं में विविधता का प्रावधान हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक होता है। देखिए यदि आप कठिन विषयों के कालांश सुबह में रख देंगे, चारों कालांश आप जो कठिन विषय, जैसे मैथ साइंस हो गया, और जो SST हो गई, और जो इंग्लिश हो गई, ये चारों कालांश आप देखिए यदि इंटरवेल पहले रख दोगे तो बच्चे देखिए बोर हो जाएंगे। यदि कठिन विषय उन्हें आते पढ़ा देंगे तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए क्या होना चाहिए, 2 कठिन विषयों के कालांश के बाद एक आसान विषय का कालांश रखना चाहिए। तो ऑप्शन 2 देखिए राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा, यानी 2 कठिन विषय रखेंगे और उसके बाद में एक आसान विषय रखेंगे, और उसके बाद में देखिए एक एक कठिन विषय और रख सकते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है? जो प्राइमरी कक्षाएं होती है, 1 से 5वीं तक जो कक्षाएं होती है, उनके शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है? अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, या फिर स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, या फिर कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए। ऐसा नहीं कि क्लास में कितने स्टूडेंट है, यानी स्कूल में स्टूडेंट है कितने, 500, और टीचर है कितने, 2। यदि 2 टीचर 500 बच्चों को संभाल सकते हैं लेकिन नहीं संभाल सकते, तो शिक्षकों की नियुक्ति और की जानी चाहिए वहाँ, या फिर उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है? यानी वहाँ क्या करना चाहिए, अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, यानी अध्यापकों को समझाना चाहिए, अध्यापकों को बताना चाहिए कि आपको उच्च स्तर का शिक्षण करवाना चाहिए बच्चों को। ऐसा नहीं कि आए और चेयर पे बैठ गए और मज़े ले लिए और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा, हमारा शिक्षा का स्तर देखिए बहुत गिर रहा है। आपको क्या करना है, शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कुछ सरकारी स्कूलों में देखिए शिक्षा के स्तर में सुधार भी आया है अब की बात। तो ऑप्शन क राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों के विकास के लिए क्या उपयोगी मानते हैं? बच्चों के विकास के लिए उपयोगी क्या मानते हैं? अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों के सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देना तथा उनकी गड़बड़ियों को शीघ्र दूर करना चाहिए। यानी जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो गलतियां कर रहे हैं उन पर उनको शीघ्र दूर करना चाहिए। बच्चों को अच्छी बात बतानी चाहिए, या फिर बाल मनोविज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। तो देखिए बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या उपयोगी मानते हैं? ऑप्शन ख देखिए राइट आंसर होगा। बच्चों के सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा उनकी गड़बड़ी को शीघ्र दूर करना चाहिए। ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, या फिर आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या फिर अंधविश्वास में कमी आती है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होगा, लोकतंत्र भी देखिए मजबूत होगा, आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी, और अंधविश्वास में भी कमी आएगी। तो ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँगते हुए पाए जाते हैं तो क्या करना चाहिए? छात्रों में कोई कमी हो सकती है इसलिए वो ऊँगते पाए जाते हैं, या फिर शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या फिर कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए राइट आंसर क्या होगा। यदि अधिकांश छात्र ऊँगते हुए पाए जाते हैं, यानी नींद में पाए जाते हैं, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? यदि कोई शिक्षण में कोई कमी होगी तभी तो देखिए ऊँगते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि आप उनको एक्टिव नहीं रख सकते, आपके शिक्षण में कमी है तभी तो वो देखिए सोते रहते हैं। तो ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आमतौर पर लोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, तो आपकी विचारधारा क्या है इस बारे में? जो कुछ लोग होते हैं वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, तो आपकी विचारधारा क्या होगी? उनकी बातों में प्राय असलियत होती है, अतः उस पर ध्यान देना आवश्यक है, या फिर उनकी बातों में गंभीरता नहीं होती अतः उन पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है, या फिर वह हमेशा झूठ ही बोलते, देखिए छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते, आपको पता होगा, या फिर उनकी जुबान ईश्वर की जुबान होती है आप महसूस करते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, उनकी बातों में प्राय क्या होती है, असलियत होती है, तथा उसकी बात पर क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन क राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा शिक्षण प्रकार ये है, प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, जो अच्छा शिक्षण है उसका कार्य क्या है? प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, या फिर शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का। यानी अच्छा शिक्षण का जो
कारण क्या है, आपको पता ना अच्छा शिक्षण का कारण क्या है, प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का क्या, और प्रधानाचार्य अच्छा नेतृत्व करेंगे, एक अच्छे नेता के रूप में ही रहेंगे तो क्या शिक्षण अच्छा होगा, या फिर शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, या फिर शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, या फिर उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। तो अच्छे शिक्षण का कारण क्या है, क्या कारण, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए आप बता रहे हैं, देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन डी, तो देखिए ऑप्शन डी करके आओगे तो आपको देखिए 2 नंबर मिलेगा। देखिए योग्यता ही योग्यता कुछ नहीं कर सकती, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा भी होनी चाहिए। ऑप्शन 3 करके आओगे तो 3 नंबर मिलेंगे और ऑप्शन 2 करके आओगे तो 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है, अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है, या फिर अनुसंधान का मतलब नई नई खोज करता है, नई नई देखे खोज वो समझता रहता है, नई नई ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्या वो अच्छा शिक्षक होता है, या फिर अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो कुछ न करके केवल पढ़ाने पर ध्यान दे, यानी कुछ भी नहीं, ना तो कोई नई खोज कर सके और ना अध्ययनशील हो, ओनली पढ़ाने पर ध्यान दे, क्या वो अच्छा शिक्षक होगा, या फिर अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो शिक्षण पर कम तथा शोध पर अधिक ध्यान दे, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा, अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर क्या हो, अनुसंधान भी करता रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में अध्यापक की भूमिका क्या हो सकती है, विद्यार्थियों को सूचनाएं देना, या फिर विद्यार्थियों को अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए प्रेरित करना, अधिगम का अर्थ होता है सीखने के लिए प्रेरित करना, या फिर विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना, या फिर विद्यार्थियों को कोर्स पास करने के लिए अभ्यास कराना। तो राइट आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है अध्यापक के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना। विद्यार्थियों में सीखने की यदि आप क्षमताएं विकसित करोगे तभी तो आपके पास आते हैं अधिगम के लिए, तो देखिए उनके घर वाले भी प्रेरित करते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आप ही देखिए उनमें सीखने की क्षमताएं विकसित कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों को दंड देते समय एक अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए, दंड के भय से छात्र आइंदा गलती ना करे, या फिर छात्रों में सुधार पैदा हो, छात्रों को पीड़ा पहुंचे, या फिर छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े। तो देखिए यदि छात्रों को शिक्षक दंड देते हैं तो उस समय वो मन में उनकी कौन सी भावना होती है, कैसी भावना होती है उनके मन में, यानी छात्रों में क्या हो, सुधार हो, ऑप्शन ख राइट आंसर होगा, तभी देखे उनको दंड मिलता है, छात्रों में सुधार करने के लिए उन्हें दंड मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए, यदि एक विद्यार्थी अनुशासन नहीं बना रहा विद्यालय में, किसी भी प्रकार से देखिए अनुशासन नहीं बना रहा, अनुशासन में नहीं रह रहा, तो किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए, छात्र को स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाना चाहिए, छात्र को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाए, और यदि वह छात्र क्षमा मांग कर अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः स्कूल में ले लेना चाहिए, या फिर छात्रों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाना चाहिए, या फिर मैदान के 10 चक्कर लगवाना चाहिए। तो देखिए क्या करना चाहिए, यदि एक छात्र अनुशासन में नहीं रहता है तो छात्र को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाए, और यदि वह छात्र क्षमा मांगकर अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः स्कूल में ले लेना चाहिए, ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार क्या है, सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर क्या होगा,
अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ख नहीं होगा, देखिए अनिश्चित काल के लिए उसे निलंबित नहीं कर सकते। क्या पता उस छात्र की रुचि नहीं है पढ़ने में, तो क्या वो वापस स्कूल आएगा? देखिए नहीं आएगा। और हमें क्या करना है, बच्चों को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना है, स्कूल में बनाए रखना है। तो ऑप्शन ग राइट आंसर होगा, मैदान के 10 चक्कर लगवाना चाहिए उससे, तब वो क्या होगा, क्या पता वो अनुशासन में रह सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है? उनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, उनको पढ़ाने से सरदर्द अधिक होता है। देखिए क्यों होता है अधिक, आप भी तो छोटे बच्चे थे, आपको भी देखिए पढ़ाया गया है। तो ऑप्शन क गलत होगा, सरदर्द क्यों होगा, बच्चों को संभालना देखिए आपको आना चाहिए। वह अधिक शरारती होते हैं, देखिए छोटे बच्चे शरारती तो होते ही हैं, उनको पढ़ाने से उनके मन स्थिति की जानकारी मिलती है। आपका विचार कैसा होना चाहिए कि हमें यदि छोटे बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो उनकी मन स्थिति की देखें, उनके जो मन के विचार है उनकी हमें क्या होगी, जानकारी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधी बातें करना कैसा है? कदापि ठीक नहीं है, या फिर इस पर उतनी ही बात की जाए जितनी की प्रकरण में आवश्यकता है, या फिर इस पर विस्तार से चर्चा की जाए ताकि छात्र छात्राओं के मन में शंका न रहे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 में? देखिए ऑप्शन ख राइट आंसर होगा, यानी उतनी ही बात की जानी चाहिए जितनी प्रकरण में क्या हो, आवश्यकता हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या पर्सन का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता, एक अध्यापक के रूप में आप एक अध्यापक और किसी घटना का या फिर किसी पर्सन का, आपको यदि आप उस पर्सन से संतुष्ट नहीं हो तो क्या करोगे? इस बात की कोई विशेष परवाह नहीं करता, क्यों परवाह नहीं करोगे? आप एक टीचर हो, आपको हर एक घटना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसी ज्ञानी व्यक्ति के मिलने की प्रतीक्षा करता हूँ, या फिर अपने पूर्व अध्यापकों से संपर्क करूँगा, या फिर उस समय तक चैन से नहीं बैठूँगा। देखिए राइट आंसर क्या होगा, आपको क्या करना है, अपने पूर्व अध्यापकों से संपर्क करना है। ऑप्शन ग राइट आंसर होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा अध्यापक वह है जो क्या करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो, मेधावी व परिश्रमी हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, या फिर अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो राइट आंसर क्या होगा, अच्छा अध्यापक कौन होगा जो अपने विषय में क्या हो, प्रवीण हो। ऑप्शन क राइट आंसर होगा, यानी अपने विषय का क्या हो, ज्ञाता हो, वो क्या होगा, अच्छा अध्यापक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, या फिर शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 में, ऑप्शन क राइट आंसर होगा, शिक्षक की अपनी योग्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, देखिए कैसा लग रहा है आपको सेशन आज आपके लिए, देखिए 30 क्वेश्चन इस क्लास में लेके आए हैं, तो सभी को बताना है। देखिए आपने जो टॉपिक वाइज है वो सेशन भी ले लिया, अब आपको बताना है कि आपके देखिए 30 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, क्लास में के लास्ट में बताना है 30 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और देखिए यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आपको क्या करना है, सेशन को देखिए लाइक ज़रूर करना है। देखिए प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है। अब देखिए प्राइमरी स्तर कौन सा होता है, 1 से 5वीं तक जो कक्षा होती है उसका स्तर क्या होगा, प्राइमरी स्तर होगा। तो उस पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से, यानी जो उसकी मातृभाषा है उसके माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, या फिर इससे अध्यापकों को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, देखिए
ऑप्शन गैर राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। यानी इससे बच्चों को क्या होगा, शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में भी मिलेगी और जो अध्यापक है उनको अनुभवों को बांटने में भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जो अध्यापक है वो भी देखे अपने अनुभव अच्छी तरीके से उनको बताएंगे तो उन्हें देखे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? अभिभावक होते हैं उनको अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? नहीं, क्योंकि यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। अतिरिक्त बोझ कैसा है, अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में, या फिर नहीं बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए? हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे, या फिर इससे, हाँ इससे अभिभावकों अपने बच्चों की प्रगति का पता चलेगा। तो ऑप्शन गृह राइट आंसर होगा इसमें। इससे क्या होगा, अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलेगा, या यदि वो जो बच्चे उनके पास में बैठ के देखिए गृह कार्य करेंगे तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? अध्यापकों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है, या फिर नहीं क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है, या फिर हाँ क्योंकि उसमें उसकी जवाबदेही बढ़ेगी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन गैर राइट आंसर होगा। अध्यापकों के लिए देखिए आचार संहिता होनी जरूरी है क्योंकि इससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आचार संहिता यानी उसके अध्यापक होता है उसके लिए देखिए नियम, क्या नियम होना जरूरी है? देखिए बहुत ही जरूरी है नियम होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या शिक्षण एक कला है? देखिए शिक्षण जरूर एक कला है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है? देखिए जरूर किया जा सकता है। शिक्षक जन्मजात होते हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या होगा, सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है, ऑप्शन गैर राइट आंसर होगा। शिक्षक क्या होते हैं, जन्मजात नहीं होते। शिक्षण क्या है, ये कला है और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है तब देखिए शिक्षक बनते हैं। तो ऑप्शन गैर राइट आंसर होगा क्योंकि शिक्षक जन्मजात नहीं होते, शिक्षण क्या है, विज्ञान और कला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का तरीका क्या है? यानी जो सरकारी स्कूलें होते हैं उनकी शिक्षा के स्तर को जो पब्लिक स्कूल होती है यानी प्राइवेट स्कूल होती है उनके बराबर लाने का तरीका क्या है? सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन को घटा दिया जाए, या फिर सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ा दिया जाए, या फिर सरकारी स्कूल में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए, या फिर ऑप्शन गय तथा गय दोनों। तो ऑप्शन देखिए गय राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन खय और गय देखिए दोनों होंगे। यानी निगरानी भी देखिए स्तर को बढ़ा दिया जाना चाहिए सरकारी स्कूल में, और जो सतत मूल्यांकन प्रणाली है उसे देखिए ईमानदारी से लागू कर दी जानी चाहिए। यानी छात्रों का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन करना चाहिए, उससे क्या होगा वो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के देखिए बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन गय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा परम धन है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी शिक्षा परम धन क्यों है, क्योंकि शिक्षा को कोई चुरा नहीं सकता, हमारे ज्ञान है उसको कोई चुरा नहीं सकता। यदि यह ज्ञान जितना बांटेंगे देखिए उतना ही बढ़ेगा, यह भी आपको पता होगा, और इसे कोई छीन भी नहीं सकता। यदि आपकी कुछ प्रॉपर्टी है तो देखिए वो आप अपने आपके जो भाई है उनमें डिवाइड हो जाएगी, लेकिन जो शिक्षा है उनमें देखिए ये डिवाइड नहीं होगी। और आप देखिए शिक्षा को जितना बांटोगे, जितना आप ज्ञान बांटोगे देखिए उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, और इसे आपसे देखिए कोई चुरा भी नहीं सकता। तो देखिए कितनी अच्छी है शिक्षा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते तो? आप उन्हें खुश करने का यथासंभव प्रयास करेंगे, आप उनसे नाराजगी का कारण जानना चाहेंगे, आप इसकी चिंता किए बिना अपना काम लगन और निष्ठा से करते रहेंगे, या फिर आप प्रबंधन समिति के लोगों से संबंध मजबूत करेंगे?
तो इससे क्या होगा, प्रबंधन समिति के यानी जो मैनेजमेंट है उनसे, उन लोगों से अपना संबंध मजबूत करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि आपसे तो क्या है प्रधानाचार्य नाराज हैं, तो फिर आप क्या करोगे, क्या करोगे आप है? आप उनसे नाराजगी का कारण जानना चाहेंगे। ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए, जो स्कूल होती है उसके बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए, घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, या फिर सब अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, या फिर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए। तो देखिए, एक अध्यापक को विद्यालय में पढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए, सब अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, यानी एक अध्यापक को क्या रहना चाहिए, अध्ययनशील रहना चाहिए। ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है, छात्रों में जो श्रम का महत्व है उस भावना का क्या अर्थ है? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, या फिर कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, या फिर सभी काम सम्मान रूप से इज्जत वाले होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ दिया गया है यहाँ? यानी इसमें होता है कि कोई भी काम क्या है छोटा और बड़ा नहीं होता। ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? शिक्षक होता है, शिक्षण होता है यानी जो पढ़ाना, जो पढ़ाते हैं उसके लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा एक अध्यापक को और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? अभिरुचि की, या फिर सकारात्मक अभिवृत्ति की, या उपरोक्त अभिरुचि। देखिए यानी एक शिक्षक की शिक्षण में रुचि भी होनी चाहिए, और उसकी देखिए थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए छात्रों के प्रति, या फिर उपरोक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, आपको देना है करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा राइट आंसर, ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और क्या होना चाहिए, यानी अभिरुचि भी होनी चाहिए और सकारात्मक अभिवृत्ति भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ग राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। तो चलिए अब आपको बताना है आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं 30 में से, सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में लास्ट में। तो देखिए क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। कैसी लगी आज की क्लास आपको, ये भी आपको देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। देखिए क्लास, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो देखिए आपको सेशन को लाइक ज़रूर करना है, और देखिए सेशन को लाइक और शेयर दोनों करना है, सेशन को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।